हीरो पैशन प्रो 110 और नई एक्स प्रो 110 में ज़्यादा अंतर नहीं है, चाहे वो कीमत की बात हो या फीचर्स की बात हो, लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। तो आज मैं इन दोनों बाइक का कंपैरिजन करके आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि अगली कौन सी बाइक का कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोनों बाइक्स के मॉडल की। तो दोनों बाइक के मॉडल में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है कंपनी के द्वारा, मॉडल वही है लेकिन ग्राफिक्स चेंज किए गए हैं और कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पैशन एक्स प्रो में हेडलाइट पहले से थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षक हो गई है और बैक लाइट LED हो गई है और मीटर वही है लेकिन मॉडल को चेंज किया गया है। वहीं पैशन प्रो में हेडलाइट ओल्ड मॉडल है, बैक लाइट को चेंज किया गया है और मीटर पुराना ही है, बॉडी के स्टीकर चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर एक्स प्रो में टैंक पर काउल भी लगाए गए हैं जिससे मॉडल थोड़ा सा उसका ज़्यादा सही लगता है। अब आप ये कमेंट में बताएं कि दोनों बाइक में आपको कौन सा मॉडल ज़्यादा पसंद है। अब बात करते हैं इंजन की। तो दोनों बाइक में सेम इंजन है और इस इंजन के मॉडल को देख के लोग यही कहते हैं कि ये iSmart 110 cc वाला इंजन है क्योंकि ये देखने में वैसा ही है, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसमें ब्लॉक किट हेड और लेफ्ट चैम्बर को चेंज किया गया है। इसमें टेंशनर अलग से लगाया गया है जिससे इसमें iSmart 110 cc की तरह आवाज़ नहीं आएगी। जो टाइमिंग चेन की आवाज़ आती थी वो इसमें नहीं आनी चाहिए। दोनों बाइक्स में 109.15 cc का इंजन लगाया गया है जिसकी मैक्सिमम पावर है 9.3 bhp 7500 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क है 9 Nm 5500 rpm पर। बोर है 53 mm और स्ट्रोक है 49.5 mm। ये दोनों बाइक में सेम है। इन दोनों बाइक का पिकअप सही है। तो यहाँ पर आपको इंजन के मामले में दोनों बाइक सेम मिलेंगी, इनमें कोई अंतर नहीं है। टायर की बात की जाए तो पैशन प्रो में आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है और एक्स प्रो में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। वजन की बात की जाए तो दोनों बाइक का वजन 117 किलोग्राम है, यहाँ पर वजन भी आपको सेम मिलने वाला है। और माइलेज की बात की जाए तो दोनों बाइक में वजन भी सेम है, इंजन भी सेम है, इसलिए लगभग आपको 60 तक की माइलेज मिल जाएगी। और कीमत की बात की जाए तो पैशन एक्स प्रो की कीमत ऑन रोड प्राइस लगभग 65,000 रुपये है और पैशन प्रो 110 की कीमत है लगभग 62,000 रुपये ऑन रोड प्राइस। ये कीमत सभी शोरूम पर कुछ अलग हो सकती हैं, इसलिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर पता कर लें इनका कन्फर्म कीमत, इनकी कन्फर्म प्राइस क्या है। और अंत में कंपैरिजन की बात की जाए तो दोनों बाइक में लगभग 3,000 रुपये का अंतर है। पैशन एक्स प्रो थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षक दिखती है और उसमें ट्यूबलेस टायर भी हैं और पैशन प्रो में ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलते हैं। सीट हाइट पैशन एक्स प्रो की है 790 mm और पैशन प्रो की सीट हाइट है 785 mm। यहाँ पर दोनों में 5 mm का अंतर है, इसलिए जब आप बाइक खरीदने जाएं तो दोनों पर बैठ कर देख लें कि आपके लिए कंफर्ट कौन सी बाइक रहने वाली है। इंजन नया है इसलिए परफॉर्मेंस अभी नहीं पता चल पाएगी कि दोनों बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन मेरे हिसाब से एक्स प्रो थोड़ा सा ज़्यादा सही है क्योंकि उसमें ट्यूबलेस टायर भी हैं। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि पैशन प्रो सही नहीं है क्योंकि इंजन भी सेम है, टायर भी वही है, सिर्फ उसमें ट्यूबलेस है, उसमें ट्यूबलेस नहीं है। बाकी जो इनके मीटर हैं उनमें आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सिर्फ हेडलाइट अलग है। तो ये सारी चीज़ों का अंतर है। तो यहाँ पर ट्यूबलेस टायर की वजह से और थोड़ा सा डिजाइन की वजह से पैशन एक्स प्रो उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये इनका टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो यहाँ पर मॉडल और ट्यूबलेस टायर को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि पैशन एक्स प्रो उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है। अब भले ही वो 3,000 रुपये महंगी है और अगर आप 3,000 रुपये खर्च कर सकते हैं तो आप पैशन एक्स प्रो लें, और अगर आप 3,000 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं ज़्यादा तो आप पैशन प्रो लें। सिर्फ उसमें ट्यूबलेस टायर का ही अंतर मिलेगा, बाकी इंजन आपको सेम मिलने वाला है दोनों बाइकों में। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी बाइक खरीदने जाएँ तो अपने हिसाब से लुक देख लें क्योंकि पैसे आपको खर्च करने हैं, उसी हिसाब से आप बाइक खरीदें। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली कौन सी बाइक का आप कंपैरिजन देखना चाहेंगे जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तो इसलिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।